उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है पुष्कर सिंह धामी जी। और आज तक ने जो एग्जिट पोल दिखाए हैं, अगर मेरी आवाज आप तक मिल रही है तो उस एग्जिट पोल के हिसाब से 44% वोट शेयर आपको मिल रहा है। प्रदर्शन 2017 जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रचंड तरीके से बहुमत के साथ 36 से 46 सीटें बीजेपी हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस एग्जिट पोल पर आपकी टिप्पणी। देखिए, आपका एग्जिट पोल भी आया है, अन्य एग्जिट पोल भी आए हैं, सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आंकड़े सबके अलग हैं, ऊपर हैं, किसी के थोड़ा ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है और मैं आश्वस्त हूँ कि 10 मार्च को जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हमारी इससे कहीं ज़्यादा आने वाली सीटें हैं। और हमने जो शुरू से कहा है कि हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, वो प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। ठीक है धामी साहब, राजनाथ सिंह जी गए थे आपके प्रचार के लिए, तो आपका नाम लेकर पुष्कर वो कह रहे थे कि फ्लावर नहीं फायर है, लेकिन क्या काम करेगा मोदी जी का चेहरा काम करेगा? उसको कह रहे हैं कि मतलब आपको कितना टाइम मिला सर, टाइम ही बड़ा कम मिला। नहीं देखिए, उत्तराखंड की जनता मोदी जी पर बहुत विश्वास करती है और मोदी जी का भी बहुत उत्तराखंड के साथ लगाव रहा है। शुरू से ही उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहाँ पर काम किए हैं, चाहे उस सड़कों का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है, रेलवे के क्षेत्र में काम हुआ है। उत्तराखंड की जनता ने देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता ने इन कामों को देखकर अपना समर्थन दिया।